हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू एबीसी एप्टीट्यूड बूस्टर क्लास वेयर यू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक्स। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पहला लेसन है। इस लेसन में हम परसेंटेज, एवरेज, रेशियो और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर टू वेरिएबल का अगर इक्वेशन है तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारा चीज़ का बेसिक आइडिया लेंगे। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर मान लीजिए हम जब आगे एवरेज चैप्टर शुरू करेंगे या परसेंटेज चैप्टर अच्छे से शुरू करेंगे जिसमें परसेंटेज या एवरेज का सारा एक एक कंसेप्ट डील होगा, तो उस समय क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे परसेंटेज का कोई क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसमें एवरेज का भी कंसेप्ट यूज होता है, तो उस जगह पे आप फंसो नहीं, इसलिए आपको कुछ कुछ बेसिक कंसेप्ट पहले से जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस बेसिक कंसेप्ट के सीरीज़ में हम वो बेसिक कंसेप्ट जानेंगे जो हर जगह यूज होता है। और इसमें आपको एक फ़ायदा और हो जाएगा कि जो प्री में डीआई आता है वो सारा इसी बेसिक कंसेप्ट पे बेस्ड होता है, जैसे कि परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट, एवरेज का बेसिक कंसेप्ट। तो इससे आपको क्या होगा कि डीआई बनाने में भी बहुत आसानी होगी। तो ये क्लियर है। फिर ये सारा ख़त्म करने के बाद फिर हम चैप्टर वाइज हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे। तो ये क्लियर है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। मेरा नाम आशुतोष कुमार है और आप अपकमिंग SBI क्लर्क प्री के एग्जामिनेशन के लिए इस बुक को अमेजन से परचेज कर सकते हो। इस बुक के रीजनिंग का कंटेंट मैंने डेवलप किया है, इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट्स हैं सॉल्यूशंस के साथ, तो आप इसे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके परचेज कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहला कंसेप्ट क्या है, एवरेज। एवरेज का आपको तो बेसिक फॉर्मूला पता ही होगा, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 10 है, ये 4 नंबर है, तो 4 नंबर का अगर एवरेज निकालने के लिए बोला जाए तो हम कैसे निकालेंगे। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस का मतलब क्या हुआ, इसका 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 चारों नंबर का सम कर देंगे तो कितना होगा, 10 10 20, ये 2 और 3 5 हो गया, 5 प्लस 5 10 और प्लस 10 20। अब 20 को हम देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर्मूला में दिया हुआ, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब यहाँ पे कितने नंबर हैं, 4 नंबर हैं तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो फाइनली जो हमारा एवरेज आएगा इस सेट्स ऑफ नंबर का वो 5 होगा। तो ये क्लियर है। तो एवरेज का बस यही एक बेसिक कंसेप्ट है जो हर जगह यूज होता है। तो एवरेज चैप्टर जब हम शुरू करेंगे तो उसमें एवरेज के हर एक कॉन्सेप्ट को डील करेंगे, लेकिन इसमें केवल हम यही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक और चीज़ है, इसी फॉर्मूला से आया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कहने का मतलब अगर एवरेज दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, तो सम हम लोग कैसे निकालेंगे, तो एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर देंगे तो सम आ जाएगा। जैसे इसी केस में देखते हैं, एवरेज कितना दिया हुआ है, 5, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 4 है, और बोल रहा है कि सम निकालना है। मान लीजिए ये 20 नहीं दिया हुआ है तो सम कैसे निकालेंगे, 5 × 4 कर देंगे, सीधा सीधा 20 हमारा सम आ जाएगा। और एवरेज के चैप्टर हो या फिर कहीं पे भी, ये वाला चीज़ बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो ये क्लियर है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एवरेज ऑफ गिवन नंबर्स, तो कितना है, 22 53 85 38 और 67, ये सारे को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद हम कितने से, यहाँ पे 5 नंबर है तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा। तो ये क्लियर है। तो इसे आप खुद से ट्राई करो, बस क्या करना है, आपको ये पांचों नंबर को जोड़ देना है और फिर 5 से डिवाइड कर देना है, जो भी आंसर आएगा वो हमारा एवरेज होगा। तो ये क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए परसेंटेज, परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, फ्रैक्शन आपको पता होगा ए बाई बी के फॉर्म में होता है। अगर मान लीजिए 20% दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस x% एज अ फ्रैक्शन, x% अगर लिखा हुआ है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो यहाँ पे 20% है एग्जाम्पल, x% की जगह पे 20% ले देते हैं, इसको फ्रैक्शन में लिखना है, तो 20% मतलब हर 100 में 20, तो ये क्लियर है। तो ये परसेंटेज का साइन हटा के हम क्या कर देंगे, 20/100, फिर इसको काटेंगे तो 1/5, यानी जब हम 20% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/5 होगा। तो ये क्लियर है। और
यहाँ पे देखिए अगला क्या है, एक्सप्रेस एक्स बाई वाई एज अ परसेंट। जब कोई फ्रैक्शन को हमें परसेंट में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, उस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्लियर है। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक्सप्रेस 2/5 एज अ परसेंट। 2/5 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 टाइम्स में कट जाएगा ये 5 से, तो 20 × 2 कितना हो जाएगा, 40। तो इसका आंसर क्या होगा, 40%। जब हम 2/5 को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 40%। तो ये परसेंटेज का बेसिक आइडिया है। और जब हम परसेंटेज के चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे। परसेंटेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पर बेस्ड हर एक चैप्टर में इसका कंसेप्ट यूज होगा। तो अभी केवल बेसिक चीज़ देख लेते हैं, ताकि परसेंटेज के अलावा जो भी चैप्टर है उसमें अगर परसेंटेज का कंसेप्ट यूज हो तो हम आसानी से कर लें। फिर परसेंटेज के चैप्टर में हम डिटेल से पढ़ेंगे सारा परसेंटेज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को। तो ये क्लियर है। अब चलिए आगे देखते हैं परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पे देखिए, फाइंड 20% ऑफ 500। अगर कभी भी पूछा जाए कि 500 का 20% निकालना, तो कैसे निकालेंगे 20। अब देखिए 20% को हमने पीछे देखा था, कैसे लिख सकते हैं, 20/100। ऑफ का मतलब इनटू 500। तो आपको क्या करना है, मैथ्स में जो भी सेंटेंस है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेना है, तब आपका क्वेश्चन समझिए आधा बन गया, फिर सॉल्व कर देना है। तो हमने क्या किया, 20% को 20/100 लिखा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किया इनटू 500, मतलब 500 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे 1/5 100। जब हम 500 का 20% निकालेंगे तो कितना आंसर आएगा, 100। तो ये क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इवैल्यूएट 28% ऑफ 900 प्लस 45% ऑफ 560। तो आपका देखिए परसेंटेज का कंसेप्ट जो है यहाँ भी यूज़ हो रहा है, मतलब सिंप्लीफिकेशन में भी। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 28/100, 28% को लिख सकते हैं इनटू 900 प्लस 45/100 इनटू 560। तो ये क्लियर है, 0 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और 28 9 जा कितना होगा, 28 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना होगा, 280। 280 में से 28 घटा देंगे तो 252 आएगा। तो ये क्लियर है, 252 प्लस, अब देखिए ये 9 टाइम्स में कटेगा 5 से, ये 20 टाइम्स में, ये 0 0 कैंसिल, और ये 23 9 जा कितना हो जाएगा, 207। तो 207, तो फाइनली हमारा आंसर कितना आएगा, 252 में 207 जोड़ देंगे तो 954, यानी 459 इसका आंसर होगा। तो ये क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे बना सकते हो। अब परसेंटेज का कॉन्सेप्ट जो है आपको हर जगह यूज होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 80 इज व्हाट परसेंट ऑफ 500। तो आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए इस सेंटेंस को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, 80 इज इक्वल टू व्हाट परसेंट, व्हाट बाय 100 ऑफ 500। अब देखिए इसे सॉल्व करना कितना आसान हो गया, ये 0 0 कैंसिल। अब यहाँ देखिए 5 जो है इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, फिर इसको जब हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। तो 16% इसमें आंसर होगा, मतलब 500 का 16% कितना है, 80। तो ये क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ 7 इज 91। मतलब इसे मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, व्हाट परसेंट, व्हाट बाय 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन 7 इज इक्वल टू 91। तो अब देखिए ये 13 टाइम्स में कट जाएगा, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, तो आपको वो स्टेप करने की ज़रूरत नहीं, सीधा यहाँ से आप काट दो, और ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1300%। तो ये हमारा आंसर होगा। तो ये क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्या बोल रहा है, डिक्रीज 600 बाई 20%। अब
20% से हमें 600 को डिक्रीज करना है, तो ये 600 हो गया, इसको इसके 20% से डिक्रीज करना है, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, माइनस 600 का 20/100, ये 0 0 कैंसल, माइनस 120, मतलब 600 से हमें 120 घटा देना है, क्योंकि 6 × 20 कितना होगा, 120, तो जब हम 600 से 120 घटाएंगे तो कितना आएगा, 480, तो ये फाइनली हमारा आंसर होगा। तो इसको इस मेथड से नहीं बनाना है, परसेंटेज के चैप्टर में देखेंगे कि हम लोग कैसे शॉर्टकट तरीके से बना सके इस टाइप के क्वेश्चन को। इसके लिए आप क्या करेंगे, सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब देखिए ये 20% से घटाना है तो कोई भी नंबर 100% होता है अपने आप में, तो 600 उसमें से 20% घटा देना है, तो इसका 80% निकाल दीजिए, तो भी आपका आंसर जो है यही आएगा। ये क्लियर है? अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंक्रीज 600 by 20%, तो अब 600 को 20% से इंक्रीज करना है, तो 600 + 600 का 20%, तो हमने यहाँ पे निकाला था 20% कितना था, 120, तो 600 में 120 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 720, तो ये फाइनली आंसर होगा। और इसको अगर इस मेथड से बनाना है तो कैसे बनाएंगे, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, उसको इंक्रीज करना है 20% से, तो उस नंबर का 120% निकाल देंगे, तो 120% कितना होगा, 600 × 120/100, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यही फाइनली हमारा 720 आंसर आएगा। तो ये क्लियर है? तो आपको ये सारा क्वेश्चन जो है इतना ईजी है कि मेंटली आपको कैलकुलेट करना है ये सब, मैं बस आपको प्रोसेस समझाने के लिए इतना एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ, तो ये क्लियर है। अब चलिए आगे के क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 250 इज हाउ मच परसेंट लेस देन 400, और अगला क्वेश्चन है 400 इज हाउ मच परसेंट मोर देन 250। ये दोनों टाइप का जो क्वेश्चन है ना, आपको प्री के डीआई में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, मतलब हर एक डीआई के सेट में इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे दो चीज़ आपको ध्यान रखना है, लेस देन मोर देन। लेस देन के बाद जो वर्ड आता है, यानी जो नंबर आता है, और मोर देन के बाद जो नंबर आता है वो हमारा बेस होता है। बेस का मतलब क्या हुआ कि इसके रिस्पेक्ट में हम देखेंगे कि 250 कितना परसेंट कम है, मतलब जो परसेंटेज निकलेगा इन लोगों के डिफरेंस का वो इसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, और इस केस में इसके रिस्पेक्ट में निकलेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं, अगर हम न्यूमेरिक वैल्यू पूछें तो कितना कम है, 250 जो है कितना कम है 400 से, तो हम क्या करेंगे, 400 - 250 कर देंगे, तो कितना आएगा, 150। अब देखिए इस केस में भी पूछ रहा है 400 कितना ज़्यादा है 250 से, तो इसमें भी 400 - 250 करेंगे तो फाइनली 150 आएगा। अगर नंबर में देखें तो दोनों का आंसर सेम है 150, लेकिन परसेंटेज में देखिए कैसे चेंजेस आएंगे, क्योंकि अब इसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकालना है 400 के रिस्पेक्ट में कि ये डिफरेंस कितना है, ठीक है। लेस देन के बाद जो भी नंबर आएगा उसके रिस्पेक्ट में, और मोर देन के बाद जो भी नंबर आएगा उसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो ये क्लियर है। तो अब इसका आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे, 150 / 400 × 100। कहने का मतलब ये दोनों का जो डिफरेंस है 250 और 400 का, वो 400 का कितना परसेंट है ये निकालना है हम लोगों को, कितना हो जाएगा, 37.5, तो ये हमारा आंसर आएगा, 37.5% कम है 250-400 से, तो ये क्लियर है। तो 37.5 हमारा आंसर होगा। अब इस केस में देखते हैं, अब इस केस में 150 / 250 × 100, देखिए ये जीरो कैंसिल, ट्वेंटी फाइव से सिक्स टाइम में, 25 से 1 टाइम में, तो फाइनली कितना हो जाएगा, 60%। तो अब क्या इसका मतलब हुआ कि 400 जो है 250 से उसका 60% ज़्यादा है, मतलब 250 का अगर 60% हम निकालेंगे तो 150 आएगा, और उसको ऐड कर देंगे तब 400 आ जाएगा, तो ये क्लियर है।
इस केस में हमारा बेस ये है और इस केस में बेस हमारा ये था। तो न्यूमेरिक वैल्यू में देखेंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा, 150 150, दोनों के बीच का डिफरेंस। लेकिन अगर हम परसेंटेज के टर्म में देखेंगे तो दोनों का आंसर अलग आएगा। यहाँ पे 37.5 आया है, यहाँ पे 60% आया है। और क्यों अलग आया है? क्योंकि दोनों का बेस यहाँ पे अलग अलग है। तो ये क्लियर है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं, अगर दो वेरिएबल का इक्वेशन है तो उसको कैसे सॉल्व करके इक्वेशन में जो टर्म्स है वेरिएबल्स है उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, फिर रेशियो का कंसेप्ट देखेंगे। तो ये सारा हम अभी बेसिक कंसेप्ट के सीरीज में बेसिक बेसिक चीज़ देख रहे हैं जो आपको हर चैप्टर में यूज होता है, मतलब ये सारा कंसेप्ट। तो इसके बाद फिर हम सिस्टमेटिक वे में एक एक चैप्टर परसेंटेज भी पढ़ेंगे अच्छे से, और एवरेज भी, रेशियो, प्रोपोर्शन, हर एक चैप्टर को डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये क्लियर है। तो आप इस क्लास के पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।